शहर में सकल जैन समाज की ओर से सोमवार को भगवान महावीर स्वामी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। महावीर जयंती के मौके पर सोमवार अलसुबह से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम शुरू हुए। इस अवसर पर सुबह 8 बजे से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ शहर के पाली बाजार स्थित श्री शांतिनाथ जैन मंदिर से हुई। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट की सवारी सहित विभिन्न प्रकार की झांकियां शामिल हुई। गाजो बाजों के साथ शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान जैन समाज के लोग हाथों में अहिंसा ध्वज लेकर भगवान महावीर के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा का रास्ते में विभिन्न संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया गया। जैन संगठनों की ओर से संचालित विद्यालयों के बच्चे भी शोभा यात्रा में शरीक हुए। शोभा यात्रा को देखने के लिए शहरवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बीरबल नृत्य रहा, जिसके तहत एक छोटा बच्चा बीरबल का स्वांग धरकर शोभा यात्रा में नृत्य करता हुआ चल रहा था। बैंड बाजों की सुमधुर स्वर लहरियों के साथ शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः श्री शांतिनाथ जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान पूरा मार्ग धर्ममय हो गया। शोभा यात्रा में शामिल समाज बंधु भगवान महावीर के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में श्राविक श्राविकाओं ने त्रिशला नंदन वीर की जय, बोलो महावीर की, महावीर आज जन्मे हैं बधाई सब गावरे, तथा अहिंसा परमो धर्म की जय हो सहित अन्य जयकारों से माहौल को गुंजायमान कर दिया। शोभा यात्रा में शामिल पुरुष श्वेत तथा महिलाएं चुनरी परिधान धारण कर साथ साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा में विधायक शंकर सिंह रावत, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, कांग्रेस नेता मनोज चौहान, पारस पंच, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर एस सी जैन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक रांका आदि ने भी शिरकत की। शोभा यात्रा के समापन के पश्चात विनोद नगर स्थित जैन जवाहर भवन में सकल जैन समाज के सामूहिक स्नेह भोज का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी लोगों ने स्नेह भोज किया। I'm a man.